ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करते हैं फिर अपने रैशनल नंबर्स के सेकेंड लेक्चर के साथ। लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी, और वहां पे मैंने आपको वो टेबल कंप्लीट करने के लिए दिया था। क्या आपने वो टेबल कंप्लीट किया था एनसीईआरटी का? क्या सबने टेबल कंप्लीट कर लिया था? ग्रेट। सो मुझे ये बताओ कहां पे फिर प्रॉब्लम हुआ है। ये मैंने टेबल यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। ये वाली फाइल भी आपको मिल जाएगी। यहां पे मैंने हर एक टाइप्स ऑफ नंबर्स का टेबल बना के रखा है हर एक प्रॉपर्टी के लिए। सो जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर ले 10 मिनट के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। दिस शोज दैट द ऑपरेशन ऑन ऑफ एनी टू सेम टाइप्स ऑफ नंबर्स इज आल्सो द सेम टाइप और नॉट। अगर हम दो सेम टाइप के नंबर के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट भी सेम टाइप का नंबर आता है या नहीं आता है, वो ही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होता था, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे होल नंबर्स के लिए था। सो इफ पी एंड क्यू आर होल नंबर्स, देन P प्लस क्यू भी हमेशा होल नंबर रहेगा और ये क्लोज हो जाता है। फिर P माइनस क्यू विल नॉट ऑलवेज बी अ होल नंबर। मैंने आप लोगों को दिखाया था कुछ केसेस में होल नंबर होता है, कुछ केसेस में होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए बोला गया P माइनस क्यू विल नॉट ऑलवेज बी अ होल नंबर। तो ये हो जाएगा अपना नॉट क्लोज्ड। फिर P इंटू क्यू, P इंटू क्यू मल्टीप्लीकेशन है, दिस विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, तो इसलिए ये होल नंबर मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोज्ड होता है, बट फिर वो डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं होता। P by Q will not always be a whole number, ठीक है? तो addition में closed है, multiplication में closed है, लेकिन subtraction और division में closed नहीं है। इसी तरीके से integers में addition में closed है, subtraction में closed है, multiplication में closed है, लेकिन division में closed नहीं है for integers, rational numbers। अब आपने जो रैशनल नंबर का टेबल बनाया है उसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो हमने पिछले क्लास में इंटीजर्स एंड होल नंबर्स के बारे में बात किया था, यहां अब रैशनल नंबर्स के लिए भी आप देख सकते हो। तो पहला पॉइंट है एडिशन पे, तो P प्लस क्यू विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां देख सकते हो माइनस फोर बाई सेवन प्लस सिक्स बाई सेवन, माइनस फोर बाई सेवन प्लस सिक्स बाई इलेवन। अब यहाँ पे हम इन दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, एलसीएम लेना लिया, एलसीएम लेने के बाद वो सम निकल कर आ रहा है माइनस टू बाई सेवेंटी सेवन, विच इज अगेन अ होल नंबर, विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। सो दो रैशनल नंबर्स का एडिशन किए और मुझे रिजल्ट में फिर से एक रैशनल नंबर मिला है, तो हम यहाँ पे कह सकते कि जो रैशनल नंबर है वो एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए देख सकते हो, यहाँ पे 3 बाई सेवन और 8 बाई फाइव का सब्ट्रैक्शन किया गया है। 3 बाई सेवन इज अ होल इज अ रैशनल नंबर, 8 बाई फाइव इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले एलसीएम लिया गया एंड देन द रिजल्ट केम आउट टू बी 71 बाई 35। 71 बाई 35 इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें फिर से एक रैशनल नंबर मिला, तो हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फिर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हुआ है एंड डिवीजन, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए P डिवाइडेड बाई जीरो, P भी एक रैशनल नंबर है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन P डिवाइडेड बाई जीरो करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर नहीं आएगा। इनफैक्ट मैथ्स में कोई भी चीज अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो चीज डिफाइन ही नहीं होती। कोई दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स? जो आपने टेबल बनाया था आप उसको यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोज्ड है लेकिन डिवीजन के अंदर क्लोज्ड नहीं है। सो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है? इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? मयंक, सत्यम, कोई दिक्कत यहां तक? तरुण, आयुष,
अनीश, कोई दिक्कत? सब्ट्रैक्शन में? यहाँ पे थोड़ी सी बस ये दिख रही है कि यहाँ माइनस होना चाहिए, है ना? इस एग्जाम्पल में जो प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो 15 माइनस 56 जो होगा, दैट विल बी -41। तो -41 बाई 35 होगा, बट दैट इज अगेन अ रैशनल नंबर। ओके सत्यम, अनीश, सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों को, यस और नो में तो रिप्लाई करो। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो गाइस, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप दो नंबर्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और दोनों नंबर्स अगर सेम टाइप ऑफ नंबर्स है, तो रिजल्ट भी अगर सेम टाइप ऑफ नंबर ही आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे फॉलो होगा उस ऑपरेशन पे, वरना फॉलो नहीं होगा। फिर आया था सेकेंड प्रॉपर्टी, विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो ये कह रहा है, दिस शोज दैट द पोजिशन ऑफ नंबर्स डू नॉट मैटर। ये कहता है कि पोजिशन ऑफ नंबर्स मैटर नहीं करता है। अगर हम दो नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं और अगर हमने उन दोनों नंबर्स के पोजिशन को स्वैप कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो भी हमारा रिजल्ट जो होगा, इफ यू स्वैप द पोजिशन ऑफ द नंबर्स, देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी सेम। तब भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। यस अप्रमेय, अल्टीमेटली जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, वो यही लिखा हुआ था दैट क्लोजर प्रॉपर्टी वही फॉलो होती है वेयर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड ऑन टू सेम टाइप ऑफ नंबर्स इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। तो ये देखो, एडिशन में पी प्लस क्यू करते हैं या फिर क्यू प्लस की पी करते हैं, दोनों में वैल्यू सेम आता है। तो इसीलिए एडिशन के अंदर होल नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं। सब्ट्रैक्शन में लेकिन पी माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू माइनस पी। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने आपको दिख ही रहा है, 8 - 10 इज नॉट इक्वल टू 10 - 8, है ना? 8 - 10 का वैल्यू -2 हो गया और 10 - 8 का वैल्यू 2 हो गया, तो -2 और 2 जो है वो इक्वल नहीं हुए, तो इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के अंदर ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे। नेक्स्ट, पी इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप पहले पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर क्यू को पी के साथ मल्टीप्लाई करो, उस राइटिंग में हम पी और क्यू को आगे पीछे लिखते हैं, बट जब आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखोगे तो दोनों में रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहेगा। 3 × 5 भी 15 देगा, 5 × 3 भी 15 देगा। तो यहाँ पे हमने पोजीशन इंटरचेंज किया, उससे हमारा रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि होल नंबर जो है मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। एंड लास्टली डिवीजन, डिवीजन हो गया पी डिवाइडेड बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। जैसे 3/5 किया तो 0.6 आता है, लेकिन 5/3 किया तो 1.67 के आसपास आएगा। तो वहां पे 0.6 आ रहा था, यहाँ पे 1.67 आ रहा है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिला, होल नंबर्स जो है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं। मतलब अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप वहां पे ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हो, वहां पे आपके रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सेम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ऑर्डर चेंज करने के कारण रिजल्ट चेंज हो जाएगा। एनी इश्यूज टिल नाउ? यहां तक इज एवरीथिंग ओके? नैतिक, आर्यन, ऋषभ, उत्कर्ष, श्रेया, आदित्य, कहीं पे भी दिक्कत होगा प्लीज इंस्टेंटली हैंड अपना हैंड रेस करना। ठीक है, सेम इंटीजर्स पे गाइस, इंटीजर्स में कहीं पे दिक्कत हुई है क्या? इंटीजर्स की कम्यूटेटिविटी के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था।
ठीक है, तो मैं डायरेक्टली देख लेते हैं हम लोग कि एडिशन में इंटीजर अगर हम p प्लस q कर रहे हैं या q प्लस p कर रहे हैं इंटीजर्स के केस में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, तो हमारा रिजल्ट सेम होता है. सब्ट्रैक्शन के केस में इट इज नॉट कम्यूटेटिव, p माइनस q का वैल्यू q माइनस p के बराबर नहीं होता. मल्टीप्लीकेशन के केस में p इंटू q और q इंटू p दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हम चाहे माइनस फाइव इंटू एट करें वहां पे भी माइनस 40 आएगा, या फिर 8 इंटू माइनस 5 करें वहां पे भी माइनस 40 आएगा. डिवीजन के केस में वो काम नहीं करता. तो इट्स एग्जैक्टली सेम एज ऑफ होल नंबर्स. आई थिंक अने नेचुरल नंबर में भी सेम चीज होती है ना. नेचुरल नंबर में भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन और डिविजन में कम्यूटेटिव नहीं होता. ठीक है, अब आते हैं रैशनल नंबर्स पे. रैशनल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है. अगर आपको इन जनरल ये पता है कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन यहां पे कम्यूटेटिव है लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे कम्यूटेटिव नहीं है, तो नोटिस करो कि होल नंबर देखा हमने, इंटीजर देखा, पिछले क्लास में नेचुरल नंबर भी देखा था, और यहाँ पे रैशनल नंबर देखा. इन चारों ही जगहों पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है, तो अगर p और q दोनों के दोनों मान लो अगर रैशनल नंबर है या दोनों होल नंबर है या दोनों इंटीजर है या दोनों नेचुरल नंबर है, तो उस केस में p प्लस q करो या फिर q प्लस p करो, दोनों ही केस में आपको सेम आंसर मिलेगा. मल्टीप्लीकेशन में p इंटू क्यू करो या फिर q इंटू p करो, आपको सेम आंसर मिलेगा, चाहे आपने दोनों को रैशनल नंबर पकड़ा है या दोनों को इंटीजर रखा है या दोनों को होल नंबर रखा है. लेकिन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के अंदर, तो सब्ट्रैक्शन में ये चीज काम नहीं करती है. p माइनस क्यू करोगे वो कभी भी q माइनस p के बराबर नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस वो दोनों वैल्यू सेम हो, अनटिल एंड अनलेस वो दोनों वैल्यू सेम हो. डिवीजन के अंदर भी सेम चीज होती है, p डिवाइडेड बाई q इज नॉट इक्वल टू q डिवाइडेड बाई p. p डिवाइडेड बाई q और q डिवाइडेड p का वैल्यू सेम सिर्फ तभी होता है जब वो वैल्यूज हम सेम रखें. ठीक है, बट इन जनरल हमेशा नहीं होता. एक केस में अगर हो रहा है, दो केस में अगर हो रहा है और बाकी केसेस में नहीं हो रहा है, तो हम वहां पे बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है. जबकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या है, There are no exceptions. हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए हमेशा एप्लीकेबल होता है. तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में यह हमेशा कम्यूटेटिव है. ठीक है, फिर बात करते हैं अब नया प्रॉपर्टी एसोसिएटिव. तो गाइज इज एवरीथिंग ओके टिल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? एनी इश्यूज टू एनी वन? रिविजन हो चुका है, हमने लास्ट क्लास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी देखा था. कोई दिक्कत यहां तक? Is everything clear? कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछो. किसी को किसी तरीके का सवाल आ रहे तो अभी इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछो, मैंने अभी परमिशन दे रखा है. यस आयुष, एनी questions? आदित्य, अभी एनी questions? कौशिक, पायल, प्रिंस, सिद्धि, यस अप्रमेय, आफ्टर द क्लास आई विल अपलोड दिस. ठीक है, सबसे अच्छा चीज ये है कि पहले देखो हर केस का एग्जांपल यहां पे एक दिख भी रहा है ना, एग्जाम्पल भी सामने दिख रहा है, तो लिखना नहीं पड़ेगा अभी हमें. हम लोग प्रॉपर्टी को समझने का पूरा वो रखेंगे. ठीक है, अभी देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता था कि दो नंबर्स का ऑर्डर अगर आप इंटरचेंज कर देते हो, दो नंबर्स का अगर आप ऑर्डर इंटरचेंज कर देते हो तो उससे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है अगर हम एडिशन या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिविजन में कभी भी वो फॉलो नहीं करते. अब आपको समझना है
कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पता चल चुका है, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता चल चुका है, अब बचा क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता चला है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बचा है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है या ये इससे हमें पता क्या चलता है। दिस शोज दैट द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर। इससे आपको पता चल रहा है कि नंबर्स का ग्रुपिंग मैटर नहीं करता। दैट इज वी कैन यूज सेम ऑपरेशंस ऑन एनी टू नंबर्स फर्स्ट एंड द रिजल्ट विल बी सेम। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में, तो ये कहां पे काम करेगा या ये किस टाइप की सिचुएशन की बात कर रहा है। तो लेट्स से आई हैव थ्री नंबर्स, मान लो कि मेरे पास तीन नंबर से ए बी सी, ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, वेयर स्टार इज एनी ऑपरेटर। ये स्टार जो दिख रहा है ना, मैंने लास्ट क्लास में भी स्टार यूज किया था ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर क्या हो सकता है यहाँ पे, ये दिस कैन बी एडिशन, दिस कैन बी मल्टीप्लीकेशन, दिस कैन बी सब्ट्रैक्शन, दिस कैन बी डिविजन, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप तीन नंबर्स पे कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, मानो कि आप तीनों नंबर्स को ऐड कर रहे हो या फिर तीनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या तीनों को मल्टीप्लाई या तीनों को डिवाइड कर रहे हो, वो जो स्टार मार्क दिख रहा है ना, मान लो कि एक स्टार मार्क की जगह कहीं पे प्लस आ गया, दोनों स्टार मार्क की जगह प्लस आ गया, या फिर दोनों स्टार मार्क की जगह माइनस, या दोनों की जगह मल्टीप्लीकेशन, या दोनों की जगह डिविजन आ गया, तो उस केस में हमारा ये काम कैसे करेगा, मतलब आप कैसे चूज करोगे। तो ये कहता है कि इसमें आपका ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स मैटर नहीं करता है। ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स मैटर नहीं करता है मतलब वी कैन यूज ऑपरेशन ऑन एनी टू नंबर्स फर्स्ट, किसी भी दो नंबर पे आप ऑपरेशन लगा सकते हो इसी ऑर्डर में, ठीक है। हाँ शुभम, मतलब हायर क्लासेस के बुक्स में स्टार जनरली मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, बट अभी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि स्टार इज एनी ऑपरेटर, ठीक है, स्टार कोई भी ऑपरेटर है, दिस कैन बी प्लस माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ठीक है। तो अब यहां पे जो ऑपरेटर दिख रहा है हमें, ये कहता है कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तभी लगेगा, या फिर आप तभी बोलोगे कि वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम कर रहा है, जहां पे मान लो कि आपने पहले ए और बी को कैलकुलेट किया, ए और बी पे पहले आपने उस ऑपरेटर को कैलकुलेट किया, मान लो एडिशन था तो पहले आपने ए और बी को ऐड किया, जो आपको रिजल्ट मिला ना, आपने उस रिजल्ट को सी के साथ ऐड किया। आप हो सकता है आपने इस तरीके से एडिशन किया हो, या फिर आपने पहले बी और सी को ऐड किया, ठीक है, बी और सी को ऐड करके जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को ए के साथ ऐड किया। अगर आपने इस तरीके से ग्रुपिंग की है, और अगर आपका चाहे इस तरीके से ग्रुपिंग करके आंसर आया पहला वाला, जहां पे आपने ए और बी को पहले सॉल्व किया है और फिर उसको सी में ऐड किया, या फिर आपने पहले बी और सी को सॉल्व किया है और उसके बाद उसमें उसको ए में ऐड किया है, अगर आपको दोनों ही तरीके से वैल्यू सेम मिलता है, only then we say that वो associative property follow कर रहा है। अगर दोनों साइड से हमको answer same नहीं मिलता है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि वो associative property follow नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। grouping जो यहाँ पे दिख रहा है students, आपने पहले A और B को, अनय पूछ रहा है कि can different operator be used in same question, अनय we can use, but फिर वहाँ पे associative property हम test नहीं करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करने के टाइम पे अनय, वो जो स्टार मार्क दिख रहा है ना, अगर दो स्टार मार्क है तो दोनों स्टार मार्क जो होगा सेम ऑपरेटर होगा, दोनों सेम एडिशन होगा या दोनों सेम सब्ट्रैक्शन होगा या दोनों मल्टीप्लीकेशन होगा या दोनों डिविजन होगा। अगर एक एडिशन हो गया और एक मान लो मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो हम उसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक नहीं करेंगे। बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर आपके पास इस तरीके से तीन नंबर्स है और उनके बीच में दो सेम ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो आप उसमें से आपको ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है,
अगर आपको ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो हम वहां पे बोलेंगे कि वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर हमको ग्रुपिंग करने के बाद, मान लो आपने इस तरीके से सॉल्व किया और किसी ने इस तरीके से सॉल्व किया, अगर दोनों को सेम आंसर मिला, दोनों को सेम आंसर मिला तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करे हुआ है वहां पे, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग आंसर मिला है तो वहां पे फॉलो नहीं होगा। ठीक है, आयुष पूछ रहा है सर एबीसी सेम वैल्यू नहीं ना होगा। आयुष, हम लोग अलग अलग सिंबल यूज करते हैं ना, तो हम वहां पे अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं। कोई अभी तक, यहां तक जो मैं समझाने की कोशिश किया वो क्लियर है क्या? अब हम इसको चेक करते हैं होल नंबर्स पे, एडिशन में काम करता है कि नहीं करता है। शुभम ने हैंड रेस किया है। हाँ शुभम बोलो। सर सेम वैल्यू भी तो पूछ कर सकते ना सर, 2+2 और ब्रैकेट में फिर +2 सर, कर सकते हैं ना? कर सकते हो, बट वहां पे क्या है ना कि हम जो मेनली ये चीज देखते हैं शुभम, ये हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग वैल्यूज पे काम करता है कि नहीं। ठीक है, जैसे आप सेम वैल्यू रखोगे ना तो आपको वहां पे आंसर में कुछ अलग नहीं दिखेगा, हो सकता है आपको आंसर सेम दिखे। जैसे अभी हम लोग पीछे सब्ट्रैक्शन देख रहे थे, अगर हम 2-2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। वहां पे अगर मैं ऑर्डर चेंज भी कर दूंगा तो भी वो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू सेम ही आएगी। तो उस पर्टिकुलर केस में कम्यूटेटिव होता है, लेकिन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है। जब भी जैसे ही हम दो अलग अलग वैल्यूज लेते हैं वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम शुभम जनरली जो वैल्यूज पुट ऑन करते हैं ना, वो वैल्यूज अलग अलग पुट करते हैं। अगर आप सेम वैल्यू पुट करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो टेस्ट करने के लिए, लेकिन सिर्फ उसी सेम वैल्यू के बेसिस पे आप फिर जजमेंट पे मत आ जाना। ठीक है, नयन आपने लिखा है A*B+C पे वर्क करेगा एसोसिएटिविटी, तो नयन अगर स्टार प्लस है तो काम करेगा, लेकिन अगर आपने उसको एक को मल्टीप्लिकेशन और एक को एडिशन पॉइंट से रखा है तो हम वहां पे एसोसिएटिविटी चेक ही नहीं करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हमारे दोनों ऑपरेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, हमारे दोनों ऑपरेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो देखो गाइस, अभी तो मैंने आपको बस बताया कि एसोसिएटिव कब होगा, तो एसोसिएटिव ओनली एंड ओनली व्हेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो एसोसिएटिव होगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, अभी सामने जो टेबल दिख रहा है ना, इस पे अच्छे से फोकस करो। एक एडिशन वाला अगर समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब हम किसके अंदर देख रहे हैं गाइस, अब हम देख रहे हैं होल नंबर्स के अंदर। सो वी आर कंसीडरिंग द फैक्ट दैट पी क्यू एंड आर आर थ्री डिफरेंट होल नंबर्स, पी क्यू एंड आर आर थ्री डिफरेंट होल नंबर्स। तो अब हम एडिशन कर रहे हैं, तो आई नीड टू फाइंड पी प्लस क्यू प्लस आर, आई नीड टू फाइंड पी प्लस क्यू प्लस आर। अब सबको यहां स्क्रीन पे देखो क्या दिख रहा है। अने ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एक बार अनम्यूट करके बताओ। यस सर, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे ये? सर पी प्लस क्यू, पी प्लस ब्रैकेट क्यू प्लस आर इक्वल टू पी ब्रैकेट प्लस क्यू ब्रैकेट में पी प्लस क्यू प्लस आर। तो आई थिंक सबको ये ब्रैकेट दिख रहा है ना। स्टूडेंट्स जब हमें ब्रैकेट पहले आता है तो आप लोगों ने बॉडमास रूल्स पढ़ाई होगा लोअर क्लासेस में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? तो यहाँ पे एडिशन करने के टाइम पे, तीन नंबर्स के एडिशन के टाइम पे हो सकता है कि किसी ने पहले क्यू और आर को ऐड किया है, आखिरी के दो नंबर्स को पहले ऐड किया है और फिर उसको पी में जोड़ा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल को देखो, सॉल्व एग्जाम्पल को देखो, क्यू के जगह पे 2 आ गया है, आर के जगह पे 5 आ गया है और पी के जगह पे 3 आ गया है। तो हम 3+2+5 निकालना चाहते थे जिसमें आपने पहले 2+5 किया, 2+5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर उस 7 को आपने किस में ऐड किया, 3 में ऐड किया, तो 7+3 हो गया वहां पे 10। अब आपने, हो सकता है कि मान लो कि अनय ने पहले क्यू और आर को जोड़ा है और फिर उसमें पी को ऐड किया, और लेट से सेकेंड साइड जो दिख रही है ना, ये वाली साइड जो रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, यहां पे लेट से कि नयन इसको पहले उसने P और Q को जोड़ा है और फिर उसमें R ऐड कर रहा है, तो P को ऐड किया है, Q
क्यू के साथ पहले, तो 3 + 2 हो गया 5, और अब वो उसमें आर को ऐड करेगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, वहां पे भी 10 आ रहा है। तो पिछले वाले केस में क्यू और आर को ग्रुप किया गया था, उसका रिजल्ट को पी के साथ जोड़ा गया था। इस वाले केस में पहले पी और क्यू का ग्रुपिंग किया गया है, पी और क्यू को पहले सिंप्लीफाई किया गया है और फिर उसको आर में जोड़ा गया। दोनों जगह से जब वैल्यू सेम आया है तभी हम बोले हैं कि जो होल नंबर्स है वो एडिशन में एसोसिएटिव होता है, जो होल नंबर्स है वो एडिशन में एसोसिएटिव होता है। ये इसीलिए हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, अब ये देखो सब्ट्रैक्शन कब, सब्ट्रैक्शन के केस में ये एसोसिएटिव कब होता, ये कंडीशन है जो सर्कल के अंदर देख रहे हो ना, ये कंडीशन है। यहां पे क्या दिख रहा है, अनीश अनम्यूट करना, क्या दिख रहा है अनीश यहाँ पे, P minus bracket Q minus R equal to bracket P minus Q bracket minus R। हाँ, तो इसका मतलब देखो अनीश क्या रहेगा कि हम लोग जब P minus Q minus R करने वाले हैं, ठीक है, जब हम P minus Q minus R करने वाले हैं, हो सकता है कि किसी ने पहले Q और R को subtract किया हो और फिर उसका result P में जोड़ रहा है, और second case में हो सकता है कि पहले किसी ने P और Q को minus किया है और फिर उसका result को R से subtract करें, और उसको जानना है कि वो दोनों तरीके से उसको वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर दोनों ही तरीके से उसका वैल्यू सेम आ गया तो वो फिर एसोसिएटिव हो रहा है, बिकॉज उसने दो अलग अलग ग्रुप बना के सॉल्व किए और क्वेश्चन का आंसर सेम आ गया। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं हुआ, ये बीच में जो इक्वल टू का साइन दिख रहा है अनीश, अगर ये इक्वल टू नहीं हुआ तो हम वहां पे बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो प्रूफ के लिए, पी का वैल्यू रखा गया है 8, Q का वैल्यू रखा गया है 10 और R का वैल्यू रखा गया है 2। तो पहले 10 - 2 किया गया, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 10 - 2 पहले किया गया तो उसका वैल्यू 8 होगा और उसके आगे 8 माइनस लगा हुआ है, तो 8 - 8 कितना हो गया, 8 - 8 हो गया 0। सेकेंड अप्रोच देखो, सेकेंड अप्रोच में पहले ब्रैकेट लगा हुआ है 8 - 10 के ऊपर, तो 8 - 10 किए तो उसका वैल्यू कितना आया, उसका वैल्यू आया -2। अब -2 है ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक और -2 लगा हुआ है, तो -2 - 2 कितना हो गया, वो हो गया -4। तो एक साइड से मुझे 0 मिल रहा है, दूसरे साइड से मुझे -4 मिल रहा है, जो कि क्लियरली दोनों अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है सब्ट्रैक्शन के केस में, क्योंकि यहाँ पे जब आपने दो अलग अलग ग्रुप बनाए थे तो आपको वहां से दो अलग अलग आंसर मिला था, जबकि बगल में एडिशन के केस में हमने देखा था कि दोनों ही साइड से मुझे कितना मिल रहा था, दोनों ही साइड से मुझे 10 = 10 मिल रहा था, है ना, दोनों ही साइड से मुझे 10 - 10 मिल रहा था। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। इज दिस क्लियर अनीश, क्या ये चीज समझ में आया, आदित्य, आशीष, आयुष, पायल, नयन, निशांत, क्या आपको ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, एडिशन के केस में क्यों काम किया, सब्ट्रैक्शन के केस में क्यों काम नहीं किया, दिख रहा है क्या सबको सामने, यस यस नयन, इफ द आंसर मैचेस, अगर हम दोनों साइड से हमारा आंसर सेम आता है तब वो एसोसिएटिव होता है। देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा था, ये देखो ब्लू कलर से ये दिख रहा है A*B*C, मैंने बोला था कि मान लो कि हम मेरे को A*B*C कैलकुलेट करना है और आपने उसमें पहले AB का ग्रुप को सॉल्व किया फिर उसको C के साथ ऑपरेट किया, या फिर आपने पहले BC का ग्रुप बनाया उसको A के साथ फिर सॉल्व किया। दोनों केस में जब आपको वैल्यू सेम मिलेगी तब हम बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर वैल्यू दोनों साइड से अलग अलग आ गई तो हम बोलेंगे कि वो ऑपरेटर उस नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है, ठीक है। नयन कह रहा है सब्ट्रैक्शन में आंसर सेम आए तो, नयन अगर आपने पी क्यू आर तीनों के तीनों सेम नंबर्स लिए होंगे ना, उस केस में आपको सेम वैल्यू दिख जाएगी, लेकिन बाकी अगर आपने पी क्यू आर डिफरेंट नंबर्स लिए हैं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में 8, 10 और 2 लिया था,
वहां पे आपको कभी भी वैल्यू सेम नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी फॉलो करेगी कब, जब वो हर केस में फॉलो करे। अगर आपको एक केस में फॉलो कर रही है और बाकी 100 केसेस में फॉलो नहीं कर रही है, तो हम उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि वो इन जनरल काम नहीं करती है। जैसे एडिशन की केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप पी क्यू आर किसी भी कोई भी होल नंबर रखोगे ना, आपका वहां पे दोनों ही साइड से आंसर सेम आने वाला है, चाहे आप ग्रुपिंग कैसा भी करो, ठीक है। यस, अभी LHS इज इक्वल टू RHS होना पड़ेगा यहाँ पे एक तरीके से, वेर LHS विल बी दिस, जहां पे हमने पहले ए बी का ग्रुप किया फिर उसको सी के साथ डाला, एंड यू कैन से द RHS इज वेर फर्स्ट हमने बी और सी का ग्रुप किया, उसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद उसको ए के साथ सॉल्व किया, ठीक है। अंकित कह रहा है सर योर वॉइस इज टू लो, आई एम नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली। क्या सबको दिक्कत हो रही है क्या आवाज की, वॉइस का प्रॉब्लम सबको हो रहा है क्या? अंकित सबको ही कह रहे हैं वॉइस क्लियर है, जहां दिक्कत हो रही है एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स सेम तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको टेस्ट करना है, ठीक है। सेम तरीके से अपन को अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेक करना है। तो देखो यार, मल्टीप्लिकेशन में वो एसोसिएटिव कब होगा, जब ये कंडीशन फॉलो हो, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, जो बॉक्सेस बना रहा हो, ये अपना कंडीशन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन, कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन टू बी एसोसिएटिव, कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन टू बी एसोसिएटिव, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कंडीशन को, P इंटू क्यू इंटू आर फाइंड आउट करना था, ठीक है। आप ऐसे सोचो, टू थ्री इंटू फाइव इंटू टू फाइंड आउट करना था, थ्री इंटू फाइव इंटू टू। अब वहां पे कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, पहले उसने फाइव और टू को मल्टीप्लाई किया, वहां से वैल्यू कितना आएगा, लेट मी आस्क सत्यम, एक बार अनम्यूट करना सत्यम। सत्यम अनम्यूट करो एक बार। यस सर। हाँ सत्यम, ये बताओ कि अगर हमको 3 इंटू 5 इंटू 2 कैलकुलेट करना था, ठीक है, जिसमें कि ब्रैकेट किस पे लगा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सर 5 इंटू 2 पे, 5 इंटू 2 पे, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, और उसके आगे फिर वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो 10 इंटू 3 अपना कितना हो जाएगा वहां पे, 30 हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से ग्रुपिंग करें, अगर आपको 3 इंटू 5 इंटू 2 कैलकुलेट करना था, जहां पे आपने पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से आया 30, ठीक है। अब दूसरा अप्रोच देखते हैं, दूसरे में क्या दिख रहा है आपको, 3 इंटू 5 पहले हो रहा है ना, ब्रैकेट उस पे लग गया, तो वो हमको पहले सॉल्व करना है, तो 3 इंटू 5 वहां पे कितना हो गया, 15, और फिर उसके बाद वो जो इंटू 2 के किए तो वो कितना हो गया, 30। तो दोनों जगह से हमको वैल्यू सत्यम सेम मिल गया। yes. तो जब दोनों जगह से वैल्यू सेम मिलता है तो हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आपकी तबीयत अभी कैसी है सर? ठीक है। पहले से ठीक हो गए हो? यस। चलो ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट अपरा, मैं सबट्रैक्शन डिवीजन के केस में देख के बताओ तो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सर, P डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय R, और सर उस साइड है सर P डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय R। मतलब ऐसे सोचो अप्रमेय कि हमको ना P डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय R करना था, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने पहले हो सकता है एक बार P और Q का ग्रुपिंग किया, उसको पहले सॉल्व किया, फिर R से डिवाइड किया, या फिर Q और R का ग्रुपिंग पहले हुआ है फिर उसको P से डिवाइड किया, और हमको देखना है कि दोनों वैल्यू सेम आता है या नहीं आता है। तो
यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो पी की जगह 10 आ गया, क्यू की जगह 5 है और आर की जगह पे 1 है। तो मेरे को जरा बताओ तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? म्यूट कर लियो क्या? हाँ बोलो। नो सर, सर लेफ्ट हैंड साइड 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, पहले पहले ब्रैकेट के अंदर जो अप्रमेय दिख रहा है ना, 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा? सर 5 सर पॉइंट में आंसर आएगा, 5 डिवाइडेड 1 बाय 1। नो 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 सर, नो सर 5। अब उसके आगे क्या लगा हुआ है? 10 डिवाइडेड बाय, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा फिर? 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से अपन को 2 मिला। अब राइट हैंड साइड में देखो, सर 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 1 सर 2, तो यहां पे भी वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहां इक्वल आ गया। लेकिन ये इन जनरल हमेशा इक्वल नहीं होता, इस पर्टिकुलर केस में हमको ये इक्वल दिख रहा है, ठीक है। बट अगर हम मान लो कि वैल्यू चेंज कर दे, लेट से मैं वैल्यू रखता हूं 10 रख लिया, उसके बाद थोड़ा नंबर चेंज कर देते हैं, 20 डिवाइडेड बाय मान लो 5, फिर हो गया डिवाइडेड बाय लेट से 4, ठीक है। तो यहां पे पहले मान लीजिए कि हमने 20 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना हो जाएगा वो? सर 4। अब 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। यस सर 1। और अगर हम 20 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 अब लिख रहे हैं, जहां पे हमने पहले 5 और 4 को देखा, ठीक है, पहले हमने 5 डिवाइडेड बाय 4 को देखा, 5 डिवाइडेड बाय 4 क्या मैं ये लिख सकता हूँ? दिस विल बी इक्वल टू 20 इनटू 4 बाय 5। यस सर लिख सकते हैं, बिकॉज़ वहां पे 5 बाय 4 बन रहा है और वो 5 बाय 4 जो है 20 से डिवाइड हो रहा है। तो डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते तो वैल्यू को क्या करना होता है? पलट देना होता है। तो यहां से वैल्यू कितना आ रहा है अपन को? यहां से वैल्यू आ रहा है 16। पता चल रहा है कि आप रहा मैं ये चीज? यस सर, आंसर डिफरेंट है, आंसर डिफरेंट है यहां पे, राइट। तो इसी के कारण डिवीजन के अंदर ये हमेशा सेम नहीं आएगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि डिवीजन के अंदर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। पता चल रहा है अपना? yes, जो जो ये स्लाइड में जो एग्जांपल है उस एग्जांपल में इक्वल आ गया, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया स्टूडेंट कि अगर वो एक एग्जांपल में ट्रू हो रहा है अगले एग्जांपल में फॉल्स हो गया तो इन जनरल हम बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा। शुभम ने हैंड रेज किया है, हाँ शुभम बताइए। सर ये है सर 10, स्टूडेंट्स क्या ये चीज आपको पता चला? यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। In case of division, in some examples, A divided by B divided by C देखिए मैं आपको यहां पर पॉइंट यहां पर समझा देता हूं। डिवीजन के केस में स्टूडेंट्स कुछ कुछ एग्जांपल्स में आपको ये वैल्यू सेम दिखेगा, बट इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल्स में लेकिन आपको ये चीज इक्वल नहीं देखी, एंड दैट इज वाई
वी वुड से डिविजन इज नॉट एसोसिएटिव, और इसी के कारण हम बोलेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स में हमको दिख रहा है इक्वल, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्पल्स में आपको ये इक्वल नहीं दिखेगा। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया जहां पे वो इक्वल नहीं हुआ, तो अब वो प्रॉपर्टी ऐसे हम बोल सकते हैं क्या कि फॉलो कर रहा है, कहीं पे फॉलो हो रहा है कहीं पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो इन जनरल हम बोलेंगे कि डिविजन एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। Whereas, in case of addition or multiplication, जबकि addition या फिर multiplication के केस में क्या होता है students? उस केस में in case of addition or multiplication, it is always associative. It is always associative. मतलब हम कोई भी वैल्यू रखेंगे ना, कोई भी वैल्यू हमेशा आपको इक्वल दिखेगा, ठीक है। That is a plus b plus c, जिसमें b और c पे ब्रैकेट है, this will be equal to a plus b plus c and a into b into c ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडिशन या मल्टीप्लीकेशन के केस में ये हमेशा होता है, ठीक है, ऑलवेज होता है, जबकि डिवीजन के केस में कुछ जगहों पे इक्वल होता है कुछ जगहों पे इक्वल नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, जबकि एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। आर वी क्लियर? एनी डाउट्स? कुछ भी पूछना है कि आप प्लीज एक बार रेज योर हैंड करो। यस अनीश सर, थोड़ा पेज को थोड़ा ऊपर कैसे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है। आफ्टर द क्लास आपको जब ये फाइल मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वहां से इसको कंप्लीट कर लेना जो भी बचा हुआ है। ओके सर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे फिर आपको आधा स्क्रीनशॉट रहेगा आधा नहीं होगा। क्लास के बाद वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे जाओ, आपको पूरा ये फाइल ऐसे ही खुलेगा, है ना। और किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? आदित्य, आदर्श, एनी क्वेश्चंस? कौशिक, इरम, प्रिंस, कुछ पूछना है? शशांक, अप्रमेय कह रहे हैं सर ऑल्सो इन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव इज नॉट एप्लीकेबल। एग्जैक्टली अप्रमेय, सब्ट्रैक्शन में भी एसोसिएटिविटी काम नहीं करती है। अभी नोट करने के लिए ना, आप दोनों एग्जाम्पल को नोट करना और उसके बाद ये लिखो, ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला लाइन को लिखना उसके नीचे। इससे क्या हो जाएगा ना, आपको ये पता रहेगा कि कुछ केसेस में इक्वल आ सकता है लेकिन ज्यादातर केसेस में इक्वल नहीं होगा, और इसी के कारण उसको बोला जाता है कि इट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अभी ओके, तो गाइस आई होप आप लोगों को ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है होल नंबर्स पे समझ में आ गया। अब सेम तरीके का टेस्ट हमको करना है इंटीजर के ऊपर भी, रैशनल नंबर के ऊपर भी एंड नेचुरल नंबर के ऊपर भी, सेम तरीके का टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके सामने आपको दिख रहा है, इंटीजर्स के लिए रखा गया है एडिशन। तो एडिशन में क्या देखने को मिल रहा है, अब ये जो सॉल्ट एग्जांपल्स है, सॉल्ट एग्जांपल्स अब आप घर पे देख लीजिएगा, आपको ये फाइल मिल जाएगी। फाइनली हमारा जो अभी डिडक्शन होगा इस एग्जाम्पल के बेसिस पे, वो डिडक्शन ये होगा कि फॉर एडिशन इट इज एसोसिएटिव, फॉर सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट एसोसिएटिव,
for multiplication it is associative, whereas for division it is not associative. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमें लास्ट वाले केस में भी देखने को मिला था कि होल नंबर्स के केस में देखो यस नो यस नो, एडिशन पे यस, सब्ट्रैक्शन पे नो, मल्टीप्लिकेशन पे यस, डिवीजन पे नो. सेम यहां पे भी वही है, एडिशन पे यस, सब्ट्रैक्शन पे नो, मल्टीप्लिकेशन पे यस, डिवीजन पे नो. तो इंटीजर्स में भी उसी तरीके का बिहेवियर है एसोसिएटिव को लेके जैसा होल नंबर्स के लिए था. तो इसी पॉइंट को यहां पे ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं. तो इंटीजर्स ऑल्सो बिहेव द सेम वे एज ऑफ होल नंबर्स, एज ऑफ होल नंबर्स इन केस ऑफ in case of associativity. Okay, तो integers भी उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं जिस तरीके से whole numbers कर रहे थे associativity के केस में. ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट सॉल्व examples को आप एक बार घर पे चेक कर लेना. Okay, same rational numbers के लिए भी student, rational number में भी addition में follow करता है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है एंड डिवीजन में फॉलो नहीं करता. राइट तो सेम है, मतलब जैसे होल नंबर में जैसा हो रहा था यस नो, इंटीजर में भी यस नो है और यहां पे भी यस नो है. ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं बिकॉज इसके एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर करेंगे. जैसे एडिशन के केस में, ठीक है, एडिशन के केस में है, मान लो हमें परफॉर्म करना था, यहां पे लिखता हूं मैं -1/2 + 3/7 + -4/3. तो मान लो कि मुझे ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स, ये भी p by q फॉर्म में है, q नॉन जीरो है, 3/7 भी p by q के फॉर्म में दिख रहा है, q नॉन जीरो है, -4/3 भी P by Q form में है और Q हमारा non zero है. तो तीनों के तीनों rational numbers ही दिख रहे हैं, है ना? तो हमको ये addition perform करना है. अब ये this ये क्या हो जाएगा? ये हमारा condition हो जाएगा कि अगर इसको associative होना है, अगर इसको addition में associative होना है, तो P plus bracket of Q plus R should be equal to ब्रैकेट ऑफ पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज उसके बाद प्लस आर. तो यहां देखिए पहले क्यू और आर का सॉल्व किया गया, देख रहे हो यहां पे ये अपना पी हो गया, ये अपना क्यू हो गया, ये अपना आर हो गया. तो पहले जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो ब्रैकेट लगा है क्यू और आर, क्यू और आर को सॉल्व किया गया है, यहां पे पी है और ये क्या है, दिस इज आवर क्यू प्लस आर, दिस इज आवर क्यू प्लस आर. तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आया हमारे पास 17/42. और अब हम RHS को सॉल्व करें, ये जो आपको दिख रहा था दिस वाज आवर LHS, ठीक है, और इसका RHS यहां पे है. ठीक है, अब यहां अगर आप देखोगे तो पहले P और Q को सॉल्व किया है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ये आपका P प्लस Q हो गया, ठीक है, और ये आपका R है. तो P प्लस Q को पहले सिंप्लीफाई किया, LCM वगैरह लिया गया, तो यहां से आया है -1/14, फिर -1/14 में हमने C R ऐड किया विच इज -4/3. ठीक है, तो उसके उसको सॉल्व करके हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 17/42. आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है मुझे.
अच्छा LHS इधर है, RHS यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा फिर से P है, दिस इज Q एंड दिस इज R, तो LHS को यहां सॉल्व किया गया है एंड RHS को यहां सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब एक बार यहां देख लू, LCM आएगा अपना, फोर्टी टू का LCM, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंटिंग एरर दिख रहा है, दिस साइड वी विल हैव माइनस 19 स्टूडेंट्स, ओके, दिस साइड वी विल हैव माइनस 19, सो LCM लेने के कारण 42 का LCM माइनस 2 माइनस 38, सॉरी माइनस 21 माइनस 38, तो हो गया अपना माइनस 59, है ना। आई होप एवरीवन हैज करेक्टेड दिस, माइनस 59, दिस विल बी माइनस 59 बाई 42, ठीक है। और यहां पे भी अगर देखोगे, यहां पे भी वो बन रहा है माइनस 59 बाई 42, ठीक है। आयुष पूछ रहा है सर RHS इज इक्वल टू LHS में ही यस होगा या RHS इज नॉट इक्वल टू LHS में नो होगा। हाँ यस आयुष, जहां पे RHS LHS दोनों सेम आ रहे हैं वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा, जहां पे वो इक्वल नहीं आ रहे वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो LHS को सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ रहा है माइनस 59 बाई 42, RHS को भी सिंप्लीफाई किया, वहां पे भी वैल्यू आ रहा है माइनस 59 बाई 42, hence LHS is equal to RHS and therefore this is associative, ठीक है। तो प्रिंटिंग एरर जो था यहां पे ठीक हो चुका है। सेम तरीके का देखो सब्ट्रैक्शन में, यहां पे देखो माइनस किया गया है, इस बार हम क्या परफॉर्म कर रहे थे, इस बार हम माइनस 2 बाई 3 माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 5 माइनस ऑफ 1/2, इस बार हम ये परफॉर्म कर रहे थे, ओके। तो ये आपका पी हो जाएगा, पी माइनस क्यू माइनस आर, पी माइनस क्यू माइनस आर ये रहा, ओके। तो यहां पे वैल्यू क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होता है एंड डिविजन में फॉलो नहीं होता। क्या आप ये सारे एग्जाम्पल्स फिर सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का एंड डिविजन का एग्जाम्पल्स खुद से वेरीफाई कर लोगे? सब्ट्रैक्शन में आपको ये कंडीशन देखना होगा स्टूडेंट्स, पहले Q और R का ग्रुपिंग फिर P माइनस होगा, RHS में P और Q का पहले ग्रुपिंग होगा और उसके बाद वो R से माइनस होगा, ठीक है। तो सॉल्व एग्जांपल्स आपके सामने है, आफ्टर द क्लास प्लीज हैव अ लुक फ्रॉम हियर फॉर मल्टीप्लीकेशन। अगेन द सेम थिंग, वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, यहां पे हमारा P जो है वो होगा 2/3, Q जो है वो होगा माइनस 6/7, सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है, मतलब पी क्यू आर का वैल्यू ना हर एग्जाम्पल में अलग अलग रखा गया ताकि आप उसको चेक करो, सेम एग्जाम सेम वैल्यू नहीं रखा गया। और R हो गया 4/5, ठीक है। तो फिर आपको इसी यहां पे चेक करना, ठीक है, दिस इज आवर LHS एंड दिस इज आवर RHS, तो ये अपना LHS का वैल्यू आया है और ये अपना RHS का वैल्यू आया है, दोनों वैल्यू यहां पे सेम आए हैं और इसीलिए मल्टीप्लीकेशन में ये एसोसिएटिव होता है। डिवीजन के केस में मैं बता देता हूं, P का वैल्यू है 1/2, Q का वैल्यू है माइनस 1/3 एंड R का वैल्यू है 2/5, ठीक है। ये अपना यहां पे LHS
ये अपना RHS, ठीक है, ये सॉल्व किया यहां पे LHS को, और यहां पे सॉल्व हुआ है अपना RHS, ओके। तो यहां पे देख सकते हो LHS का वैल्यू आ रहा है -3/5, RHS का वैल्यू आ रहा है -10/4, LHS is not equal to RHS and implies division is, division के केस में एसोसिएटिव नहीं होता है, ओके। सो कमिंग टू द फाइनल स्लाइड ऑफ द क्लास, द रोल ऑफ जीरो इन नंबर्स। अच्छा, तो अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चुका है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चुका है, तो मैं यहां पे एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का टेबल बना देता हूं, एसोसिएटिव अब हम मैं यहाँ पे वो टेबल बना दूंगा जहां पे वो कहाँ फॉलो हो रहा है, कहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमने कौन सा टेबल देखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा है होल नंबर्स, फिर हमने देखा यहाँ पे इंटीजर्स, फिर हमने देखा यहाँ पे रैशनल नंबर्स। तो मैं इन्हीं तीनों का टेबल बनाता हूं, होल नंबर्स, इंटीजर एंड रैशनल नंबर, ओके। तो अपन ने क्या क्या चीजें देखी थी, लेट मी जस्ट कंप्लीट द लाइंस। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था स्टूडेंट्स कि एडिशन में फॉलो हुआ, एडिशन में होल नंबर भी एसोसिएटिव था, इंटीजर भी एसोसिएटिव था, रैशनल नंबर भी एसोसिएटिव था। सब्ट्रैक्शन में तीनों में नो आएगा, होल नंबर भी सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं है, इंटीजर भी होल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, रैशनल नंबर भी सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लीकेशन में फिर आएगा येस, हर जगह ये चीज फॉलो हो रही थी, और डिविजन में फिर आएगा नो, हर जगह ये चीज फॉलो नहीं हो रही थी, ठीक है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा काम करता है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यस, सो देयर इज अ कंक्लूजन दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फॉलो एवरी प्रॉपर्टी। आपने नोटिस किया होगा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, सारे के सारे प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ओके। राइट, तो इसके साथ इस लास्ट स्लाइड में खत्म करते हैं क्लास को, द रोल ऑफ जीरो इन नंबर्स।
तो जीरो का रोल क्या है? जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो का आपसे पूछा जाएगा, आपके अगर एग्जाम होंगे इस चैप्टर के ऊपर, तो एक नंबर के लिए आपका सीधा सवाल रहता है व्हाट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी के केस में हम उसको जीरो रखते हैं, ठीक है। और जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। होल नंबर के लिए भी बोला जाएगा, इंटीजर के लिए भी बोला जाएगा एंड रैशनल नंबर के लिए भी बोला जाएगा। अंकित पूछ रहे सर वेयर वी हैव टू सेंड आवर होमवर्क्स। अंकित आई होप यू आर अ न्यू स्टूडेंट, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो आफ्टर द क्लास कोऑर्डिनेटर को कॉन्टेक्ट कर लेना, वो आपको समझा देंगे, ठीक है, प्रोसेस बता देंगे अच्छे से। नाउ कमिंग टू होल नंबर स्टूडेंट्स, होल नंबर के केस में क्या है, मान लो आपने एक होल नंबर लिया है ए, आपने कोई भी एक होल नंबर लिया है ए, ए प्लस जीरो करेंगे अगर, या फिर जीरो प्लस ए करेंगे, दोनों केस में वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों केस में वैल्यू ए आ रहा है। ये जो नाम दिख रहा है ना एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव मतलब ऐड कर रहे हो और उससे आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रहा। जीरो की खासियत यही है कि वो किसी भी नंबर में अगर आप ऐड करते हो तो उससे वो उस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। तो जैसे कि टू हो गया, टू इज अ होल नंबर, तो चाहे आप टू प्लस जीरो करो पहले या फिर जीरो प्लस टू करो, दोनों ही केस में आपको वैल्यू टू ही मिलने वाला है, दोनों ही केस में आपको वैल्यू टू ही मिलने वाला है। तो एडिशन ऑफ जीरो टू होल नंबर करोगे तो उससे वो रिजल्ट में वही होल नंबर मिलने वाला है। सेम आपका इंटीजर पे भी काम करेगा, इंटीजर में मान लो कि हमने इंटीजर बी कंसीडर किया है, तो बी प्लस जीरो एंड जीरो प्लस बी, दोनों ही केस में आपको वैल्यू बी ही मिलने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में मान लो इंटीजर कौन सा रखना चाहते हो, कौन सा इंटीजर रखना चाहते हो, माइनस फाइव उठा लेते हैं, सो माइनस फाइव प्लस जीरो करे या फिर जीरो प्लस माइनस फाइव करे, दोनों ही केस में मुझे क्या मिलने वाला है, दोनों ही केस में मुझे माइनस फाइव ही मिलेगा। सो दैट इज वाई यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाइनली कमिंग टू रैशनल नंबर, सो लेट्स से इफ आई एम टेकिंग अ रैशनल नंबर सी, तो सी प्लस जीरो विल बी इक्वल टू जीरो प्लस सी, दोनों ही केस में आपको वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर लिया गया है टू बाई फाइव, तो टू बाई फाइव प्लस जीरो करो या फिर जीरो प्लस टू बाई फाइव करो, दोनों ही केस में टू बाई फाइव ही आएगा। तो जीरो क्या है स्टूडेंट्स, जीरो जो जो चीजें जानते थे एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गया जीरो के लिए, जीरो इज कॉल्ड एज एन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो ये जीरो को हम किसी भी होल नंबर में या किसी भी इंटीजर या किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो उससे वो उस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता है, ठीक है, उससे वो इस किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता है। तो इसी तरीके से हम लोग अगली क्लास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इन सब चीजों को भी गो थ्रू करेंगे, राइट। आज की क्लास का जो मेन हम लोगों ने कंटेंट कवर किया है दैट वॉज बेस्ड ऑन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास का रिविजन किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करता है वो देखा, और फिर लास्ट में ये स्लाइड देखी हमने एडिटिव आइडेंटिटी का, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है कि वो हम लोग दो अलग अलग ऑपरेटर्स पे लगाते हैं, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया या फिर कम्यूटेटिव हो गया या फिर एसोसिएटिव हो गया, तो ये हम लोग सेम प्रॉपर्टी के ऊपर चेक कर, सेम ऑपरेटर के ऊपर चेक करते हैं, ओके। होमवर्क लेट मी टेक यू टू, पहले एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं।
चलो होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, होमवर्क में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 है। मॉड्यूल का होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी अवंती के मॉड्यूल का, अवंती के बुक से जो होमवर्क होगा वो मैं आपको ग्रुप पे बताऊंगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क, डेडलाइन एंड ऑल आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द ग्रुप, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक दो क्वेश्चन शायद नहीं होंगे क्योंकि वो हमने अभी कवर नहीं किया है, ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है, हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो एनीवेज आई विल कवर ऑल द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो फिर स्टूडेंट्स, एंडिंग द क्लास हियर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। टेस्ट का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके, टेस्ट का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।